आमेर का कछुआ राजवंश। आमेर में कछुआ राजवंश से पहले किसका शासन था, कुछ याद है आपको? कछुआ राजवंश 1137 में स्थापित हुआ था, उससे पहले यहाँ किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। किसका? मीणाओं का। 1137 में दुल्हे राय जो कछुआ थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कछुआ राजवंश की नींव डाली। दुल्हे राय ये पहले शासक थे कछुआ वंश के, इन्होंने 1137 में कछुआ राजवंश की नींव रखी या स्थापना की। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जब हम क्षेत्रीय नाम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बताया था कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने कछुआ राजवंश की नींव 1137 में रखी थी, मीणा राजाओं को हरा करके। इससे पहले यहाँ मीणाओं का शासन था, उनको हरा के। फिर सेकेंड जो शासक आते हैं वो हैं कोकिल देव। कौन है? कोकिल देव। कोकिल देव का सबसे मेन जो योगदान है वो ये है कि इसने आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी बनाया। इस टाइम जो आमेर का किला देखते हो तुम, आमेर का, जयगढ़, नाहरगढ़, ये तीनों किले हैं, यहाँ पे भी पहले मीणाओं का शासन था और इस आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी किसने बनाया था? दुल्हे राय ने। तो इसमें लिखो 1207 में कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी बनाया। आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी यहाँ के मीणाओं को हरा करके किसने बनाया था? कोकिल देव ने। कब बनाया पूछा जाए? 1207 में। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आमेर को राजधानी कछुआ राजवंश की किसने बनाया? कोकिल देव ने। कोकिल देव ने कब बनाया? 1207 में। किसको हरा करके बनाया? यहाँ के मीणा राजाओं को या मीणा शासकों को। इसके बाद ये जो था कोकिल देव, ये दुल्हे राय का पोता था, ठीक है? बीच में दुल्हे राय के जो बेटा था वो इतना कोई प्रतापी शासक नहीं था, तो इसलिए हम सीधा कोकिल देव को पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं राजा भारमल। थर्ड जो है वो कौन है? भारमल। भारमल को इससे पहले भी हम याद कर चुके हैं, हमने मेवाड़ पढ़ा, उसमें भी हमने भारमल को याद किया था। मारवाड़ पढ़ा, मारवाड़ में भी भारमल को याद किया। तो किस संदर्भ में हमने इसको याद किया था, कुछ याद है? पहली बात तो नागौर दरबार। 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तो उस समय भारमल राजस्थान के राजपूत राजाओं में पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है? इस काम के लिए इसको याद किया जाता है। दूसरी बात जो है इसको याद करने का, कि राजपूत राजाओं में पहला राजा जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसने अपनी बेटी की शादी अकबर से की थी, भारमली की। तो दोनों ही संदर्भ में इसको याद किया जाता है, ठीक है? तो नोट करो इसमें राजा भारमल में, ये रहा है 1547 से और 1573। ईस्वी तक। ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला
पहला राजपूत राजा भारमल ही था, या मुगलों की अधीनता, कोष्टक में कर लेना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल ही था। दूसरा काम इसने क्या किया? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिखो, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल ही था, जिसने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से की, जिसने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से की। जोधाबाई की शादी भी अकबर से हुई थी, लेकिन जोधाबाई कहाँ की राजकुमारी थी? पीछे का रिवीजन नहीं करते हो? हमने मारवाड़ पढ़ा था, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई, और उसकी शादी भी अकबर से हुई थी। इसका नाम है हरकाबाई, जो मरियम उजमानी के नाम से जानी गई, जो मरियम उजमानी के नाम से जानी गई। अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी? अमीर ए उल उमरा। अकबर ने भारमल को अमीर ए उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। अमीर ए उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। पूछा जाए कि अमीर ए उल उमरा की उपाधि किस राजपूत शासक को दी गई, तो किसको दी गई थी? ये भारमल को। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा हम भारमल को एक जगह और याद करते हैं, महाराणा प्रताप के साथ पास में जो संधि प्रस्ताव लेके गए थे चार लोग, उनमें भी थे भारमल। मैंने तुम्हें एक सूत्र भी याद करवाया था, जमा भटो, जैसे जमाल खा कोरची, माँ से मान सिंह, और भै से भगवंत दास, और टोडरमल, बारमल नहीं था, भगवंत दास था, इसका बेटा आएगा, ठीक है। तो इनको क्या किया? दो तीन तो याद हो गए इसके। इसके अलावा भारमल को, या भारमल ने अपने बेटे बेटे का नाम था भगवंत दास, और पोते पोते का नाम क्या था इनका? मान सिंह। दोनों को ही अकबर की सेवा में भेज दिया था, भगवंत दास एवं मान सिंह दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। इसके बाद है भगवंत दास नेक्स्ट, ये हो गया। भगवंत दास, और भगवंत दास का कार्यकाल रहा है 1573 से 1589। फिफ्टीन सेवेंटी थ्री से 1589 के बीच में।
भगवान दास को एक तो याद किया जाएगा महाराणा प्रताप के आपस में संधि प्रस्ताव लेके गया था, और दूसरी बात इसने भी मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने भी अपनी बेटी मानबाई की शादी किससे की थी? अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर कौन था? सलीम उसके बचपन का नाम था। लेकिन जहांगीर किसे किसके उत्पन्न हुआ था, यानी जोधा बाई से, या अभी जिसकी बात कर रहे थे हरका बाई? हरका बाई का बेटा था, यानी ये इसकी बुआ का बेटा था, और उसी के साथ में इसकी मानबाई की शादी कर दी गई। ठीक है, तो समझ गए भगवान दास को। और दूसरी बात ये है कि इसको लाहौर के अभियान पे भेजा था अकबर ने, और वहीं पे 1589 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिखो इसमें, भगवंत दास महाराणा प्रताप के पास भेजे गए संधि प्रस्ताव में, महाराणा प्रताप के पास भेजे गए संधि प्रस्ताव या संधि प्रस्ताव को लेकर के गए थे। और सेकंड, इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया, जो बाद में सुल्तान निस्सा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो बाद में सुल्तान निस्सा के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिफ्टीन एटी नाइन में लाहौर अभियान के दौरान इनकी वहीं मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद है मानसिंह प्रथम। भगवान दास का बेटा मानसिंह प्रथम, यानी भारमल का पोता, जो अकबर के दरबार में नव रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार के जो नव रत्न थे उनमें से मानसिंह प्रथम जो था वो एक था, और 7,000 की मनसब अकबर ने इसको दे रखी थी। यानी अकबर ने जिन जिन को मनसब दी उसमें 7,000 हाईएस्ट मनसब थी। सबसे ज़्यादा जो मनसब होती है वो कौन सी देते थे? वो 7,000, उसके बाद थी 5,000, उसके बाद 3,000, ऐसे मनसब दी जाती थी। तो जो सबसे ऊंचा जो पद था वो इनको मिला हुआ था। दूसरी बात ये कि इन्होंने, मानसिंह प्रथम ने, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है लड़ाई भी इन्होंने ही लड़ी थी। और इसके अलावा इनका योगदान है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल में शीला देवी की मूर्ति ला करके और आमेर के किले में स्थापित की। यानी जिसे आमेर की कुल देवी मानते हैं इस टाइम, शीला देवी, ये कहाँ से लेके आए थे? पश्चिम बंगाल से। और दक्षिण भारत अभियान के ऊपर भी ये गए हैं। उसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल में भी अभियान पे गए, और सब में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो आप लिखो इसमें मानसिंह प्रथम, ये रहा है 1589 से 1614, 1589 से 1614 ईस्वी तक। मानसिंह प्रथम भगवान दास का पुत्र, मानसिंह प्रथम जो भगवान दास का पुत्र भगवान दास का पुत्र था, ये अकबर के नवरत्नों में से
एक था। अकबर के नवरत्नों में से एक था। इन्हें सर्वोच्च 7,000 की मनसब अकबर के द्वारा दी गई। पश्चिम बंगाल अभियान के दौरान शीला देवी की मूर्ति वहां से ला करके आमेर के किले में स्थापित की। शीला देवी की मूर्ति वहां से लाकर आमेर के किले में स्थापित की। इसके अलावा अकबर ने इन्हें जिस उपाधि से विभूषित किया वो क्या थी? फरजंद। क्या कहा अकबर ने इन्हें? फरजंद। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया एवं महाराणा प्रताप के पास भेजे गए संधि प्रस्ताव या संधि दल में भी ये शामिल थे। इनका बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह, और जगत सिंह अल्प आयु में ही देहांत हो गया था। उसकी याद में इन्होंने आमेर के किले में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। आमेर के किले में किसका मंदिर बनवाया? जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। हो गया। मानसिंह प्रथम ये रहे हैं कब तक? लास्ट 1614 तक। इन्होंने दो तीन काम है इनके फेमस जो याद रखना है। एक तो शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लाकर के आमेर के किले में स्थापित करवाई। दूसरा, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में अकबर की तरफ से युद्ध किया। महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर के आए या संधि दल में शामिल भी थे, और अपने बेटे जगत सिंह की याद में इन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर भी बनवाया। 7,000 की जो सर्वाधिक मनसब है राजस्थान में, जितने भी राजपूत राजा हैं सबसे ज़्यादा जो मतलब एकमात्र ये मानसिंह प्रथम ही है जिसको 7,000 की मनसब दी गई थी। बाकी किसी भी राजा को 7,000 की मनसब नहीं मिली। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ये रहे हैं 1621 से 1667। में ये तीन मुगल शासकों के साथ में इन्होंने सेवाएं दी हैं अपनी। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? इससे पहले जहांगीर के साथ रहे, फिर जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां,
उसके साथ भी रहे, फिर उसका बेटा औरंगजेब उसके साथ भी रहे, यानी तीन मुगल बादशाहों के साथ सेवा देने वाले जो हैं राजा, अगर पूछा जाए तो आ जाएंगे मिर्जा राजा जय सिंह। इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी जो अपन ने आगे लगा रखी है। उसके अलावा ये मिर्जा राजा जय सिंह ही थे जिन्होंने मराठों में शिवाजी जो था, शिवाजी के साथ में शिवाजी को मुगलों के साथ संधि करने के लिए, मुगलों के साथ संधि करने के लिए उसको तैयार किया था। कौन सी संधि की गई थी? सालवाई की संधि की थी क्या? चलो इसमें नोट करो, मिर्जा राजा जय सिंह पुरंदर की संधि। तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के साथ में सेवाएं दी। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी इनको? शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। एवं 1665 में ईस्वी में शिवाजी को मुगलों के साथ पुरंदर की संधि हेतु बाध्य किया। मिर्जा राजा जयसिंह आए या जयसिंह प्रथम आए, एक ही समझना इसको, क्योंकि जयसिंह सेकंड जो है उसको सवाई जयसिंह कहते हैं और जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा बोलते हैं। शिवाजी ने उपाधि दी थी इनको मिर्जा राजा की, और 1665 में इन्होंने शिवाजी को मुगलों के साथ संधि करने के लिए बाध्य किया, और जो संधि की वो कौन सी थी? पुरंदर की संधि। लिख लिया 1665 में पुरंदर की संधि की। जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे क्या नाम था? बिहारी। बिहारी ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? सतसई। बिहारी की सतसई फेमस है और हर एक दोहे के लिए मिर्जा राजा उसको एक असरफी देते थे, एक सोने की असरफी हर एक दोहे के लिए इसको दी जाती थी। बिहारी ने किसकी रचना की है? सतसई। इनके दरबार में दरबारी कवि बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा। सतसई के या बिहारी सतसई के हर दोहे के लिए उन्हें एक सोने की असरफी दी जाती थी। बिहारी सतसई के हर दोहे के लिए उन्हें एक सोने की असरफी दी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय।
इनका कार्यकाल रहा है 1700 से 1743। सवाई जयसिंह ये रहे हैं 1700 से 1743 ईस्वी। सवाई जयसिंह के बारे में ये है कि इसने सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ में सेवाएं दी हैं। सर्वाधिक कितने? 7 मुगल बादशाहों के साथ में सेवा दी है। उसके अलावा जयपुर की जो स्थापना है 1727 में, वो भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही की गई थी। जयपुर में वेधशाला है, जंतर मंतर, उसके साथ साथ इन्होंने 4 अन्य जगहों पर भी वेधशालाएं बनवाई। 5 वेधशालाएं टोटल बनवाई हैं। कौन कौन सी हैं? उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में, जयपुर में और दिल्ली में। सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर की है। इसके अलावा अन्य जो इनका काम था वो था हूडा सम्मेलन बुलवाना 1734 का, मुगलों के साथ में या मुगलों का प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए उदयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में इन्होंने हूडा सम्मेलन बुलाया था, जो असफल रहा था, लेकिन कोशिश अच्छी थी इनकी। ठीक है, और इनको जो सवाई की जो उपाधि है वो किसने दी थी? औरंगजेब ने, क्योंकि सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ में रहे थे, जिसमें इनको सवाई की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने। सवाई मीन्स क्या होता है? बहुत तेज, बहुत चालाक। उसके अलावा इनको एक अन्य उपाधि भी दी गई थी, जिसका नाम क्या है? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई, यानी ये उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, तो इसमें नोट कर लो, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ में सेवाएं दी। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ में सेवाएं दी। सवाई जयसिंह सेकंड ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ में सेवाएं दी। 7 कौन कौन है? कोष्टक में लिख लो, औरंगजेब, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुख शियार, फर्रुख शियार, रफीउद्दौला, रफीउर रज्जात, रफीउद्दौला, रफीउर रज्जात और मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, औरंगजेब लिख ही लेना शुरू में, किस किस के साथ में रहे? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुख शियार, रफीउद्दौला, रफीउल रज्जात और मोहम्मद शाह रंगीला। ये शासक थोड़े थोड़े समय के लिए आए, इसलिए इनकी संख्या 7 हो गई। ठीक है ना, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 43 साल का ही रहा है। टोटल 43 साल में 7 मुगल शासकों के साथ में सेवाएं दी हैं। इसका मतलब क्या है? औरंगजेब का शासन लंबा रहा है, बाकी ये सब क्या है? थोड़े थोड़े टाइम के लिए, दो दो तीन तीन साल आए और चले गए। औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने
श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज सवाई। श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज सवाई की उपाधि से मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें विभूषित किया है। मोहम्मद शाह रंगीला ने दी है। दो उपाधियां दी गई, सवाई की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने, और श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज सवाई की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई। सत्रह सौ चौंतीस में तीसरा जो काम था वो क्या था? ये हो गया। तीसरा ये जो इन्होंने काम किया वो था 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन। हुड़ा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में बुलाया था? जगत सिंह सेकंड। कहाँ के थे जगत सिंह? मेवाड़ के। जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में बुलाया। इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में बुलाया। उद्देश्य क्या था? मराठों को राजस्थान में आने से रोकना या मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को एकजुट करना? हाँ, दोनों ही उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि किसकी अध्यक्षता में बुलाया और किसने बुलाया। पूछा जाए किसने बुलाया तो सवाई जयसिंह ने, अध्यक्षता में पूछे तो जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में। इसके अलावा 1727 में जयपुर की स्थापना की। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार थे इसके, विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर सहित पांच जगह पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर सहित पांच जगहों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी पांच जगह हैं वो कोष्टक में लिख लेना। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस और लास्ट कौन सा? दिल्ली। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस और दिल्ली, इन पांच जगहों पे इन्होंने सौर वेधशालाएं बनवाई।
इन्होंने जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका ये ग्रंथों की रचना की थी। और उद्देश्य क्या था कि जो इन्होंने सौर वेधशालाएँ बनवाई हैं उनके माध्यम से सौर की जो गणनाएँ की जाएंगी वो शुद्ध हो, यानी शुद्ध गणना के लिए इन्होंने जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका की रचना की। ठीक है, लिखो नक्षत्रों की शुद्ध सारणी हेतु जीज मोहम्मद शाही एवं जयसिंह कारिका की रचना की। जीज मोहम्मद शाही एवं जयसिंह कारिका की रचना की। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि बहादुर शाह प्रथम जो था उसने इसी के काल में, सवाई जयसिंह के काल में, जयपुर के जो नाम था वो चेंज करके, आमेर का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, मोमिनाबाद। नेक्स्ट इसमें एक ध्यान रखना कि बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम चेंज करके मोमिनाबाद कर दिया था। सबके नाम याद है ना, चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या किया गया था, चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था, खिजराबाद, बिल्कुल ठीक है। और कुंभलगढ़ का, रणथंबोर का, खैराबाद नाम कहाँ का किया गया था, कोटा का किला तो बेटा अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो कोटा का नाम किया था उसने, कोटा के किले का कोई नाम नहीं किया, किले की बात कर रहे हैं अपन। जालौर में वीरमदेव और कान्हटदेव जहाँ पे राजा थे उस किले का नाम भी चेंज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने क्या कहा था 5 दिन पहले, जहां पे आया होगा वहां लिखवाया होगा। याद नहीं करते इसका मतलब। ईश्वरी सिंह है बेटा इसके बाद में, सफाई जयसिंह सेकंड के यही याद रखने हैं, जयसिंह सेकंड का काफी योगदान है। एक तो हुडा सम्मेलन के संदर्भ में इनको ध्यान रखना है, दूसरा जयपुर की स्थापना इन्होंने की, और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे जिनके माध्यम से करवाई, उसके अलावा सौर वैधशालाओं का निर्माण करवाया, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी ज्ञात करने के लिए 2 ग्रंथ लिखे, जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका लिखी, और इनको जो सवाई क्या नाम है इनका, सवाई जयसिंह, सवाई की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, औरंगजेब ने, और एक बड़ी सी उपाधि थी जिसका नाम क्या था, श्री महाराजा धीराज राज राजेश्वर महाराजा धीराज सवाई, ये उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें सवाई जयसिंह सेकंड में। और अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750, इनका ज़्यादा लंबा टाइम शासन नहीं रहा, मात्र 7 वर्ष इनका शासन रहा है 1743 से 1750 तक, और इसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा, सिर्फ एक राजमहल या टोक का युद्ध याद रखना है अपने को 1747 का। राजमहल या टोक का युद्ध।
ये पूछा गया क्वेश्चन है, राजमहल या अटोक का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? ईश्वरी सिंह और उसके छोटे भाई माधो सिंह। माधो सिंह मराठों की सहायता से लड़ा था लेकिन फिर भी हार गया। राजमहल एवं टोंक के युद्ध में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में हुआ, इसमें माधो सिंह मराठों की सहायता से लड़ते हुए भी हार गया। विजय किसकी हुई थी? ईश्वरी सिंह की विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया? ईसर लाट का निर्माण करवाया। देखी है क्या ईसर लाट? जयपुर में रहके भी नहीं देखते। क्या करवाया? इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने ईसर लाट का निर्माण करवाया। जैसे कुतुब मीनार है एक लंबी सी, या फिर कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में, इसी टाइप से क्या है, ईसर लाट भी एक पतली और ऊंची लंबी इमारत है। नहीं, ये शहर में है, सिटी प्लेस के आसपास है। ठीक है, तो 1747 में राजमहल एवं टोंक का युद्ध दोनों भाइयों के मध्य हुआ। ईश्वरी सिंह विजयी रहे। विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ईसर लाट का निर्माण करवाया, और यही ईसर लाट क्या है, एक दिन उसकी मौत के भी काम आई। ईश्वरी सिंह 1750 में ईसर लाट से इसी पे चढ़ करके कूद गया, यानी आत्महत्या कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें। 1750 में वो डर गया, उसको लग रहा था कि अब वो हारेगा। एक एक टाइम तो जीत गया जैसे भी करके, तो इसलिए वो पहले ही आत्महत्या कर ली थी उसने। 1750 में ईसर लाट से कूदकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद है माधो सिंह प्रथम, हो गए। माधो सिंह प्रथम, इसका कार्यकाल कब तक रहा है? 1750 से 1768 ईस्वी तक। माधो सिंह प्रथम 1750 से और 1768 ईस्वी तक रहा है। सत्रह सौ पचास में ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में माधो सिंह राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद में इन्होंने अपने नाम पे स्वयं माधोपुर कस्बा बसाया। रणथंभौर के किले के पास में स्वयं माधोपुर कस्बा बसाया, जो वर्तमान में स्वयं माधोपुर है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। कभी आमेर घूम के आए हो? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। नाहरगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। और उसमें एक जैसे 9 महल हैं, 9 रानियां थी, 9 रानियों के लिए एक जैसे क्या है, पूरे 9 महल बनवाए। किसी का नाम चंद्र महल है, किसी का सूर्य महल है, ऐसे उनके अलग अलग महलों के नाम हैं। उसके अलावा जो मोती डोंगरी के महल हैं, वो तो ऊपर से दिखाई देते हैं। जब अपन गणेश जी के जाते हैं तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो महल दिखाई देते हैं, वो मोती डोंगरी के महल भी किसने बनवाए थे? माधो सिंह प्रथम ने बनवाए ये। हाँ, यही। ठीक है, तो इसके बस 3 ही काम ध्यान रखने हैं। एक तो मोती डोंगरी के महल बनवाए हैं, स्वयं माधोपुर कस्बा बसाया है, और तीसरा काम क्या किया है, नाहरगढ़ का किला बनवाया है, या नाहरगढ़ के जो इसकी रानियों के लिए महल बनवाए थे। तो लिखो इसमें इन्होंने। हाँ, 1750 से शासक बना हुआ है, और अब चल रहा है कौन सा, तो 350 साल से तो ज्यादा पुराना हो गया। ठीक है, तो लिखो बेटा इसमें। माधो सिंह प्रथम ने रणथंभौर के पास सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। रणथंभौर के पास सवाई माधोपुर कस्बा बसाया।
सेकंड लिखो इसी में, इन्होंने अपनी नौ पासवानों के लिए एक जैसे नौ महल बनवाए, नौ पासवानों के लिए या नौ रानियों के लिए नाहरगढ़ के किले में एक जैसे नौ महल बनवाए। थर्ड है इसी में, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया। प्रताप सिंह का कार्यकाल 1778 से 1803। प्रताप सिंह का कार्यकाल रहता है 1778 से 1803 ईस्वी तक। नहीं बेटा, कभी ये जो होता है ना महाशिवरात्रि का, उस दिन ये खुलता है एक बार, तो उस टाइम देखा होगा अंदर कुछ होगा। अब 350 साल पुराना कोई है तो खंडर हो गया होगा, बाकी महल तो बनवाए थे किसी समय। अब कहते महल हैं, अब क्या है क्या नहीं है वो तो हम भी नहीं जानते। ठीक है, प्रताप सिंह 1778 से और 1803 ईस्वी तक रहे हैं। वो कब तक रहे थे? 1768। बीच में 10 साल का जो टाइम आया उसमें कोई अच्छा शासक नहीं हुआ। उसके बाद प्रताप सिंह अच्छे आते हैं, जिन्होंने साहित्य में जो है बहुत अच्छा काम किया है। ये खुद भी साहित्यकार थे और अन्य जो साहित्यकार विद्वान थे उनको आश्रय देते थे अपने यहाँ पे। गंधर्व बाईसी के नाम से जो है इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व बाईसी। और इन्होंने ये क्या है, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसीलिए जो है ये जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था और उसकी जो रचना हुई वो श्री कृष्ण जी के मुकुट के जैसी है। आगे से उसको देखोगे ना तो वो ऐसा लगेगा जैसे कृष्ण जी का मुकुट हो। ठीक है, तो लिखो इसमें प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। राधा गोविंद संगीत सार की रचना भी इन्होंने ही करवाई थी। राधा गोविंद संगीत सार की रचना भी इनके द्वारा ही क्या था, करवाई गई थी। किसकी रचना? राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई। उसके अलावा इनके दरबार में बाईस प्रसिद्ध विद्वानों की एक मंडली थी जिनको कहते थे गंधर्व बाईसी। प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रसिद्ध साहित्यकारों की मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था।
1799 में इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। 1799 में इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। इसमें 953 झरोखे हैं, 953 953 झरोखे हैं और इसकी रचना श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान की गई है। इसकी रचना श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान की गई है, यानी कृष्ण भक्त थे इसलिए 953 953 झरोखे हैं एवं इसकी रचना श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान की गई है। ये 5 मंजिला है। ठीक है, तो प्रताप सिंह में बस 3 बातें याद रखनी, तो खुद ये ब्रज निधि के नाम से रचनाएं लिखते हैं, दूसरा ये गंधर्व बाईसी थी, 22 प्रसिद्ध विद्वानों की मंडली थी जिनके माध्यम से ही इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई है, और खुद इन्होंने 1799 में हवा महल बनवाया। 5 मंजिला इमारत है, 953 इसमें झरोखे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रताप सिंह के बाद में जगत सिंह। जगत सिंह का कार्यकाल रहा है 1804 से 1818। अठारह सौ चार ईस्वी से लेकर के 1818 तक। इसमें दो ही क्वेश्चन बनेंगे जगत सिंह में, एक तो 1807 में एक युद्ध हुआ था, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, मेवाड़ में भी पढ़ चुके हैं, मारवाड़ में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि। तो 1807 में जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं गिंगोली का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? गिंगोली का युद्ध 1807 में, ये था जयपुर और किसके बीच? जोधपुर के बीच था, जयपुर एवं जोधपुर। जयपुर में जगत सिंह थे और जोधपुर में मान सिंह। जिस भीम सिंह की आप बात कर रही हो, भीम सिंह की बेटी थी और वो मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी को लेकर के ये गेंगोली का युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी को लेकर के युद्ध हुआ था जयपुर एवं जोधपुर के बीच में। जयपुर के राजा जगत सिंह और जोधपुर के राजा थे मान सिंह, जिसमें जगत सिंह की विजयी होता है या जगत सिंह विजयी होते हैं, लेकिन इस विवाद का जो अंत है वो कृष्णा कुमारी की मृत्यु के साथ में होता है। अमीर खां पिंडारी के कहने पे कृष्णा कुमारी को जहर देके 1807 में मार दिया गया था और उसके साथ में ये समस्या खत्म हुई थी। जगत सिंह ये रहे हैं 1804 से 1818 तक। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने क्या कर ली थी? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि। गिंगोली के युद्ध के लिए याद रखना है, और दूसरा हमें याद रखना है 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि की है। पूछा जाए कि आमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जगत सिंह ने।
और गिंगोली का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था? जगत सिंह एवं मान सिंह के बीच में। किस बात को लेकर के हुआ था? कृष्णा कुमारी को। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। ठीक है, अब लास्ट है राम सिंह सेकेंड। राम सिंह सेकंड का कार्यकाल है 1835 से लेकर के 1880 तक। राम सिंह सेकंड कार्यकाल रहा है 1835 से 1880। राम सिंह सेकंड का कोई योगदान याद है तुम्हें जयपुर के संदर्भ में? पहली बात तो ये 16 महीने के थे तभी शासक बन गए थे, लेकिन 16 महीने का बच्चा कोई शासन नहीं कर पाता, इसलिए अंग्रेजों की देखरेख में शासन चला था। यानी अंग्रेजों ने इनके संरक्षक की भूमिका निभाई थी और 16 महीने का इनको राजा बना दिया गया था। उसके बाद इन्होंने जो काम किए हैं, समाज सुधार के काम किए, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, उनको रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं।